हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विनय LLB में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिया होगा उसे प्रेस कर देना और सामने ही बेल आइकन का दिया होगा उसको ही प्रेस कर देना ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ऊपर आप उससे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कोर्ट मैरिज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ उसमें और टॉपिक हैं वो क्लियर आपको मैं थोड़ा कर दूं। वो ये है कि अगर कोर्ट मैरिज, वैसे मैं कोर्ट मैरिज के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं काफ़ी लंबा 20 मिनट का, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके भी मेरे उस वीडियो को देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है, पूरी प्रोसेस बता रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कोर्ट मैरिज से संबंधित कि अगर कोई अलग धर्म से है और वो शादी करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, अगर वो लोग शादी करना चाहते हैं, अगर कोई कपल एक हिंदू और एक मुस्लिम है वो शादी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई हिंदू है और मुस्लिम है तो सबसे पहले उनको वो शादी कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू क्रिश्चियन भी हो सकता है, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी हो सकता है कपल, तो वो मतलब अलग अलग धर्म के हो, मतलब मेरा ये है, ठीक है, अलग अलग धर्म के हैं तो आपको उसमें क्या करना है, जो ये शादी होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी, ठीक है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट में आप जो है अलग अलग धर्म के हैं तो आप इसमें शादी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको कोर्ट के माध्यम से शादी करनी होगी, आपको कोर्ट में जो है आवेदन देना होगा, आप कोर्ट में जाएंगे, आपका जिस कोर्ट में आप करना चाहते हैं उस कोर्ट में जाएंगे, वहाँ आपको पहले जाके आवेदन देना होगा, 30 दिन का लगभग टाइम मिलेगा, 30 दिन के बाद आपको डेट मिलेगी और उसके बाद आपका जो है उस डेट पर आके आपको जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, कहीं डॉक्यूमेंट थोड़े साइन करने होंगे, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये 30 दिन का जो समय होता है ये क्या होता है, जब आप आवेदन करेंगे तो नोटिस बोर्ड होगा कोर्ट का, जो कोर्ट का नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे आपका जो लड़का लड़की है उनका जो है फ़ोटो लगा के और पूरी डिटेल वहाँ पे दी जाएगी कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है कि ये लोग शादी कर रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो हमको बताए, और अगर होती है तो वो बता सकता है। और 30 दिन का टाइम जो होता है उसमें कोर्ट वेरिफिकेशन कराती है, लड़का लड़की के घर पे जो दिया होता है कोर्ट में उन्होंने एड्रेस, वो उसके घर पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन करती है। तो ऐसे मामले में ये प्रोसेस होती है अगर कोर्ट के माध्यम से करते हैं, अगर अलग अलग धर्म है तो, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शादी हो भी जाती है। लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन को जाती है तो घर वालों को पता चलता है, तो ऐसे में जो है घर वाले तो नहीं चाहेंगे, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे समाज में अलग अलग धर्मों में शादी करना बहुत ही जो है गलत माना जाता है, तो ऐसे में माँ बाप को घर वालों को पता चलता है तो वो लोग शादी नहीं करते, आपत्ति करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलमोस्ट ये है कि इसमें माँ बाप का राजी होना बहुत ज़रूरी है दोनों पक्षों में, मतलब लड़का लड़की के दोनों जो माँ बाप हैं उनके, उनको राजी हों तभी ये शादी हो पाएगी स्पेशल मैरिज एक्ट में। अलग अलग धर्म से है और आपकी जो है उम्र वगैरह सब मैं बता चुका हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें मैंने पूरा जो योग्यता है उसकी कोर्ट मैरिज की मैंने बता रखी है। तो कोर्ट मैरिज की जो योग्यता वो 18 साल लड़की 21 साल लड़का होना चाहिए, लेकिन अलग अलग धर्म के हैं, आप अपना धर्म भी ना बिगाड़ें, अपना धर्म भी ना बदलें और शादी कर सकते हैं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में ये इसलिए है, आप अपना अपना धर्म भी मान सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोसेस यही होता है कि इस पर नोटिस लगेगा, 30 दिन का जो वेरिफिकेशन होगा पुलिस के द्वारा, आपके घर पे जाएगी पुलिस वेरिफिकेशन करेगी कहीं आपकी किसी और से शादी तो नहीं है, आपके जो भी वेरिफिकेशन होती है एड्रेस वगैरह का और भी बहुत सी चीज़ होती है वो वेरिफिकेशन करेगी, वो कोर्ट में सबमिट करेगी और कोर्ट उसी आधार पर जो है आपको जो है शादी की अनुमति प्रदान करेगा और आपको सर्टिफिकेट दे देगा और आपकी शादी हो जाएगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है और नोटिस भी जाता है इसमें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये है कि इसमें आपके माँ बाप का राजी होना बहुत ज़रूरी है तभी आप ये कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम रहता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, अगर चाहते हैं कि आप थोड़ा जल्दी करें तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आप हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकते हैं,
लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ हिंदू की ही शादी होती है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट बोला गया है। इसमें हिंदू जो हिंदू हैं वही शादी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं कि जब आपको इसमें अपना जो धर्म है आपको उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर हिंदू हैं तो वो तो ठीक है, और दूसरा अगर जो आपका पार्टनर है वो मुस्लिम है तो उसको अपना धर्म बदल के हिंदू बनना पड़ेगा, ईसाई है तो उसको हिंदू बनना पड़ेगा। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में करने के लिए आपको धर्म को अपने बदलना पड़ेगा। तो अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आप करना चाहते हैं तो, हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका धर्म भी सही सेफ है, आपको धर्म भी नहीं बदलना है और आपकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में आपको करना है और आपको इसमें धर्म क्या करना होगा, आर्य समाज में आपको जाना है, वहाँ पे कुछ प्रोसेस होती है, वो आपको जो प्रोसेस आपकी प्रक्रिया होगी वो पूरी कराएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी कि आपने धर्म जो है चेंज कर लिया है, आप हिंदू धर्म में आ गए हैं। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, फिर जो जिस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होती है आप वैसे कर सकते हैं। बस इतना छोड़ा करना पड़ेगा, आपको अपना धर्म जो है बदलना पड़ेगा, मुस्लिम है तो हिंदू करना पड़ेगा अगर हिंदू मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं, क्रिश्चियन है तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और इसमें ऐसा करने से आपको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जाएगा, ना कोई पुलिस का चक्कर होगा, और आपकी जो शादी है आर्य समाज में करा दी जाएगी, और आर्य समाज से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप कोर्ट में देंगे, और कोर्ट में सेम डे में ही आपका 2 से 3 घंटे में कोर्ट से आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन आपको इसके लिए अपना धर्म बदलना पड़ेगा। अगर आप अलग धर्म से हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, और चाहते हैं अपना धर्म बदलना तो आप हिंदू मैरिज एक्ट में जो है कर सकते हैं, आपको धर्म बदलना पड़ेगा। तो मैंने दोनों बातों आपको क्लियर कर दी हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में या कोई भी एक्ट हो, जिस एक्ट से आप शादी कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, तो उसमें आप जो है जो लॉफुली काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप एक लड़का, मतलब एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, और आप हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये गलत होगा, ये आपकी शादी मान्य नहीं होगी। जो प्रोसेस है, जो लॉफुली है, जो लॉ में है, आप उसी हिसाब से काम करें तो आपकी शादी मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अलग अलग धर्म से हैं और हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर लें, अगर कोई करा भी देता है तो वो अमान्य होगी, आगे इस आपकी शादी को कोई भी चैलेंज कर सकता है और आपकी शादी को रद्द करा देगा। तो इसलिए ऐसा ना करें, जो भी नियम है, जो भी रूल है, आप उसी हिसाब से काम करें तो आपकी शादी मान्य होगी। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट मैंने दोनों को आपको क्लियर कर दिया। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो अलग अलग धर्म होते हैं उनके लिए ये शादी इसमें कराई जाती है, और इसमें थोड़ा प्रोसेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है 30 दिन के बाद, इसमें 30 दिन का समय लगता है, नोटिस बोर्ड पे आपका जो है पूरा इस पर जो है डाटा दिया जाता है कि फ़ोटो लगा के एड्रेस दिखा के ये लोग शादी कर रहे हैं, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है, तो इसमें पूरा ये होता है, क्योंकि डायरेक्ट कोर्ट में जाते हैं। और अगर हिंदू मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं तो, अगर आप दूसरे धर्म से तो आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा, तभी आप हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया। कोई भी शादी आप प्लीज़ लॉफुली करिए, बिल्कुल किसी जल्दबाजी में ना करिए। अगर कोई वकील आपसे किसी तरह की पैसे की मांग करता है, या आपको किसी तरह का आपको लगता है कि हमको मतलब ठग रहा है और हमारा काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो आप उसके चक्कर में ना पड़ें, और आप चाहते हैं कि मेरे माध्यम से आप शादी करें तो मैं भी ये करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लगे तो आपका मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप का, या ऊपर मेरा इस पर आ जाएगा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करें, मैं आपकी जो है पूरी हेल्प करूँगा, और जो भी आपका पूरा प्रोसेस होगा शादी तक का, शुरू शुरू के एंड तक का, उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आपकी पूरी शादी कराऊँगा। ठीक है, और उसके बाद आपका नंबर एक में आपका ये सब रहेगा, नंबर दो का कुछ नहीं रहेगा कि मैं 420 में कुछ करूँ या कुछ करूँ। आपको अगर लगे तो ही आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी वकील से बात कर सकते हैं, और उनकी बात अगर नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप राय भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक वीडियो मैंने आपको बताया है, बनाया है, आप इसको थोड़ा गौर कीजिएगा कि कोई गलती ना करें, और भी मैं इससे संबंधित कोई नई अपडेट आएगी कोर्ट मैरिज को लेके तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये मुझे बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे अच्छे से काम कर सकूँ।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और अपनी किसी भी समस्या को आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।